ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। डुमरी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। डुमरी उपचुनाव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां झामुमो की गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, वहीं कांग्रेस ने इसे घबराहट में लाया गया आरोप बताया है। यशोदा देवी जी वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही, और इसको देख करके वो लोगों में बखलाहट है। और बखलाहट का मैं कल आज हमें सवेरे सवेरे खबर मिली वहाँ से, एक तो गिरिडीह जिला में एक गांव पड़ता है डुमरी थाना में, जरीडीह के दो जेएमएम के वर्कर ठेकेदार दलाल जो कह सकते हैं, एक भोला सिंह और एक तपेश्वर सिंह नाम है, उन दोनों ने हमारे दो कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे, ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है। ये अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है कि इस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कले हुआ है, और अभी तक छोड़ा नहीं गया है, जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक पता नहीं चला है। हमने डीजी से बात किया है कि तुरंत आप एक्शन लीजिए। दूसरा जो घटना है नावाडी, जो बोकारो जिला में पड़ता है, नावाडी थाना है, वहाँ हम लोगों के वर्कर है निर्मल महतो, उनका एक विद्यालय चलता है, और उस विद्यालय में जो कि चुनाव के समय उन सारे जगहों पर तो और कोई रहने का जगह नहीं है, तो उसमें कुछ लड़के लोग रह रहे थे, रात में पुलिस ने छापा मारा जेएमएम के कहने पर। तो छापा मारा तो कोई बात नहीं, पुलिस का ये रूटीन काम है, इसको हम लोग मानते हैं, उस पर कोई हमारा विरोध नहीं है, लेकिन एक बार नहीं रात में जा करके बार बार, और जेएमएम के जो गुंडे हैं दलाल है उन लोगों को ले जा करके तीन चार बार रात भर लोगों को सोने नहीं दिया, बोलता है फिर जांच करो फिर चेक करो। डीजी को भी मैंने बोला है, तो ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहाँ पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गई है कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया, भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। सराय टाण करके गांव है, संथाली टोला है, वहाँ हम लोगों से जब मिले तो संथाली महिलाएं अपनी भाषा में हमें आकर के बताए कि जेएमएम वाले धमकी दे रहे हैं कि अगर वोट आप लोगों ने केला छाप में दिया, एनडीए गठबंधन को दिया, तो आप लोगों के हम राशन को बंद करवा देंगे। यानी किस प्रकार से धमकी देना, थ्रेटनिंग देना, तो ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि वे जो पुलिस प्रशासन है इन सबको देखना चाहिए, कोई किसी को कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो, सब निर्भीक हो करके, भय मुक्त हो करके लोग मतदान करें, ये प्रशासन को सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए अब इस तरह की बातें आने लगी, इसका मतलब कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी जी, मैंने पहले ही कहा कि बाबूलाल मरांडी जी 1000 के नोट हो चुके हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी कर दी है, तो वो नोट चलन में नहीं है। अब जब नोट चलन में नहीं रहेगा और इस तरह की बातें करेंगे तो भद पिटेगी। चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग केंद्र से चलता है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं।
और इसका मतलब है कि आप चुनाव हार चुके हैं। तो इस तरह की हल्की बातें बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए कि वो कितना क्या कहा है और कितना चल रहा है, ये भी पहले समझने की बात है। आज तो आप भी पढ़े हम भी पढ़े हैं और हम ये सीधा जानते हैं कि इस तरह की बातों की कोई जगह नहीं है जो उन्होंने कहा है। अब अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से लोग कहते हैं और किस तरह से उसको मीडिया में लाया जाता है, वो जब तक पूरी बात नहीं समझ ली जाए तब तक कुछ कहना ठीक नहीं है। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।